हाय एवरीवन, हैप्पी रिपब्लिक डे। और अभी मैं चल रही हूँ छत पे, क्योंकि सुबह से जो है वो मेरा कपड़े धोने का और घर की साफ सफाई का काम लगा हुआ है। सो सुबह से आई थिंक 5-6 बाल्टी तो कपड़े धुल ही चुके हैं। 4 ब्लैंकेट धुले हैं। पांचवा अभी मशीन में लगा हुआ है, जिसकी आप लोगों को आवाज़ आ रही है। और ये 1 बाल्टी कपड़ा है जो कि अभी छत पे जाएगा। दूसरा बाल्टी कपड़ा है जो छत से आ गया है सूख के, तो बाल्टी में ही लेकर गई थी, बाल्टी में ही लेकर चली आई हूँ। एंड तो सबसे पहले आप लोगों को बता दूँ कि इतनी साफ सफाई क्यों हो रही है। तो मेरे फैमिली में जो है 1 जन कम हो गए हैं। मेरी फैमिली में जैसे कि मेरे बड़े पापा हैं, वो डेड कर चुके मेरे बड़े पापा, तो मुझे 3 दिन का वो मान रखना होता है, तो जिसके लिए कोई श्रृंगार विंगार कुछ भी नहीं है। तो अभी उसी का पूरा मैं साफ़ सफाई में लगी हुई, तो सारे बेड शीट वगैरह जितने हैं वो सब चेंज करना था, जितने भी बेड हैं वो क्लीन करना है, जितने भी मतलब कि वो जो डोरमेट्स वगैरह होते हैं वो क्लीन करना है। आप लोगों को तो पता ही है कि मेरे घर में पूरा का पूरा फ्लोर पे बिछा हुआ होता है कारपेट वगैरह, तो वो सब भी क्लीन करना है। तो 2 कारपेट तो मैंने वॉशिंग मशीन में ही वॉश कर दिया था, क्योंकि अभी कारपेट में वॉश करूँगी तो मेरी हालत ख़राब हो जाएगी। ठंड भी है और थैंक गॉड कि आज जो है वो धूप निकल गया। और ये जो प्रिपरेशन है वो मैं कल से ही कर रही थी, क्योंकि हमें जो उतना नहीं होता है लेकिन हमें फिर भी चीज़ों को मानना पड़ता है और करना पड़ता है। तो ये सब साफ़ सफाई हो जाएगा। नीचे का जितना भी काम है वो मैंने निपटा लिया, लंच भी बन गया है, हस्बैंड को लंच भी भेज दिया है। और अभी बज रहे हैं 3 बजने वाले हैं, 3 बजने में अभी 10 मिनट बाकी हैं। और आप लोगों को मेरा ये जो नेक है थोड़ा सा पिगमेंट ज़्यादा दिख रहा होगा ना इधर। पता है क्या हुआ था, जब मेरे घर में शादी थी तो मैंने क्या किया कि पार्लर गई थी, तो मैंने उनको बोला कि देखें मेरा नेक बहुत ज़्यादा ये हो रहा है तो मैं क्या करवाऊँ। तो उन्होंने मुझे एक क्रीम दिया और जब मैं लगाई तो मेरा यहाँ से स्किन ना जैसे कि पपड़ी सा निकलने लगा था, ब्लैक ब्लैक। उसके बाद मैंने सोचा कि ये अच्छे से काम कर रहा था, 2-3 दिन मैंने और लगा लिया था, जिसके कारण मेरा अभी तो बहुत ज़्यादा कम हो गया। पूरा ये ऐसे बर्न हो गया था, पूरा एकदम इतना इरिटेशन हो रहा था। अगर ये तो सर्दियों का मौसम था कि मैंने बर्दाश्त कर लिया, अगर गर्मी होता तो नहीं बर्दाश्त होता। ये पूरा ऐसे मेरा नेक जो है वो बिल्कुल एकदम बर्न हो गया था, इस वजह से ये दोनों साइड बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड लगता है। कैमरे पे ज़्यादा फोकस होता है, बिकॉज इधर थोड़ा सा शैडो भी पड़ जाता है कैमरे पे, तो थोड़ा सा ज़्यादा फोकस होता है। तो बस उसी साफ सफाई में लगी हुई। अभी मैं छत का आपको व्यू दूंगी, आपको ऐसा लगेगा दिवाली जैसी फील होगी। आप लोग सोच रहे होंगे ना कि इनके घर में ऐसा कुछ हो गया है और ये बहुत ही इजीली कैरी वे में बात कर रही है, तो वैसा नहीं है। मैं आपको इजीली और कैरी वे में इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि मेरे बड़े पापा जो थे वो बहुत ज़्यादा बुजुर्ग थे, लाइक 85 ईयर्स ओल्ड होंगे या फिर उससे भी ज़्यादा। तो जब लोगों की ये एज हो जाती है तो उनको मुक्ति मिल जाए वही अच्छी बात होती है, क्योंकि वो बेड पे चले जाते हैं। उन्होंने 7-8 दिन से खाना पीना भी छोड़ रखा था, तो इसलिए हमें कोई मलाल नहीं है, क्योंकि जो आया है वो एक दिन जाएगा। और अगर किसी को कोई कष्ट में है और उनको मुक्ति मिल जाए तो ये अच्छी बात होती है मेरे अकॉर्डिंग। और आप लोग इसको कैसे लेते हो मैं नहीं बता सकती, लेकिन मेरे लिए ये है कि उनको मुक्ति मिल गई तो वो बहुत ही अच्छा होता है और लोग अच्छे से चले जाए अपने, क्योंकि ये ज़िंदगी का तो ये आधार ही है कि जो आया है वो जाएगा, और वो इतने बुजुर्ग हो चुके थे तो इसलिए हम लोगों को ऐसी कोई परेशानी नहीं। लेकिन हाँ, ऐसी चीज़ें होती है तो घर में ये चीज़ें तो होती ही हैं, मतलब कि बुरा तो लगता है, डेफिनेटली लगता है। और इसलिए मैंने 2-3 दिन वीडियोज़ वगैरह कुछ भी नहीं बनाए थे। और तो आज जब साफ़ सफाई करी थी तो मैंने सोचा चलो एक ब्लॉग शूट कर लेते हैं, आज रिपब्लिक डे भी है तो कम से कम एक रिपब्लिक डे का तो ब्लॉग बनता है। तो बस यही है। तो अभी मैं काम करने वाली हूँ, क्योंकि मैंने 4.5 मिनट पक 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 बातें कर ली है।
गाइस मैं यहाँ पे आपको इस तरीके से कपड़े करते हुए देख रही हूँ। तो ये सारे जो हैं वो बच्चों के कपड़े हैं और विंटर के कपड़े हैं। बच्चे क्या करते हैं कि पूरे के पूरे कपड़े पूरा घर में फैला देते हैं, तो इसलिए मैंने एक ये कार्डबोर्ड का जो बॉक्स है वो मैंने ले लिया है। बच्चों को बोला जितने भी कपड़े हो सारे इसी में डाल देने के लिए, ताकि इधर उधर कपड़े फैले ना रहे, और इसको मैं बेड के अंदर कर देती हूँ। और अब मैं लगा रही हूँ झाड़ू, क्योंकि बेड वगैरह क्लीन हो गए, घर जो है वो ऑर्गेनाइज कर दिया है। तो अब बस झाड़ू लगाऊंगी और पोछा लगाऊंगी, तो बस उन्हीं सब में लगी हुई हूँ। छत का कुछ ऐसा हाल, पूरे छत पे सिर्फ कपड़े ही कपड़े मिले हैं। अभी और भी कपड़े डाल रहे हैं।
सारे कपड़े मैं छत से उतार लेती हूँ, उसके बाद ये सारे कपड़े छत पे डाल देती हूँ जो बेडशीट्स वगैरह हैं जो कि मैंने आज धुले हैं। एंड ऑलमोस्ट मेरा जो काम है वो ख़त्म हो गया है, बस कपड़े उठाने वगैरह का ही काम है। तो अब मैं जा रही हूँ नहाने ये करके, क्योंकि सुबह से मैंने नहाया भी नहीं था, तो अब मैं इसके बाद जाऊँगी नहाने के लिए। तो सारे कपड़े जो हैं वो धूप में डाल देती हूँ ताकि खोल के पर सूख जाएंगे। एंड मेरा जो काम है वो ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गया है। सो गाइस, फाइनली नहा लिया है मैंने, अभी बाल मेरे गीले ही हैं। और नहाने के बाद थोड़ा सा रेडी हो गई, कुछ नहीं किया, सिर्फ लिपस्टिक लगाई है, थोड़ा सा हल्का सा आईब्रो को फिल किया है, और थोड़ा सा मैंने लगाया है बायोटिक का डेली वेयर फाउंडेशन, उसके ऊपर कुछ भी नहीं लगाया क्योंकि वो बिल्कुल नेचुरल ग्लो देता है और अभी विंटर के टाइम पे वो बहुत ही अच्छा है। सो मैंने वही लगाया है और आप देख सकते हो मेरा ग्लो, मेरा फेस, और आप सुबह का फेस देखे होगे कि कितना ज़्यादा डल लग रहा था। तो बस यही है, और अभी बजने वाले हैं 5। सो अब मैं इस वीडियो को करती हूँ एंड, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो चुका होगा। सो इस वीडियो को करती हूँ एंड, और नेक्स्ट वीडियो आने वाला है बहुत ही अच्छा सा। सो प्लीज़, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट से ही सब कुछ होना है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।